बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आलियाज़ किचन एंड व्लॉग्स में आपको वेलकम कहते हैं। जी मेरे यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो आज आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि गाजरों की कोई डिश बन रही है। तो जी बिल्कुल, मैं गाजरों का मुरब्बा बना रही हूँ, जो कि सेहत के लिए, आपके जिगर के लिए, आपके मैदे के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। और जो लोग शुगर पेशेंट हैं, डायबिटीज़ हैं, उनके लिए भी ये। मैं आज गुड़ के अंदर जो है वो गाजर का मुरब्बा बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 किलो गाजरें ली थी, साफ़ किया, तो वो तकरीबन 1.5 किलो रह गई हैं। इस तरह के आपने उनके पीसीस कर लेने हैं, आपने उनको साफ़ कर लेना है, उसके बाद आपने उसको इस साइज़ में काट लेना है, धो लेना है। और यहाँ पर जो है मेरे पास तकरीबन 1.5 पाव से थोड़ा ज़्यादा है वो गुड़ को मैंने पीस लिया है। तो क्योंकि ये चीनी नुकसानदेह होती है, स्पेशली जो डायबिटीज़ होते हैं, तो मैं आज गुड़ में बना रही हूँ। तो बहुत इजी वे में बनता है ये। ये जो मेरी गाजरें धुली हुई हैं, इसको मैं एक देगची में डाल लूँगी। तो ये देगची के अंदर जो है वो मैंने गाजरें शामिल कर दी हैं। अब ये जो गुड़ है इसको मैंने इसके अंदर शामिल कर देना है। इसको बस चम्मच से मिक्स करके मैंने इसको छोड़ देना है। ये तकरीबन 2 घंटा जो है ऐसे ही पड़ा रहेगा, आपने इसको आग पे नहीं रखना। ये सारा जो गुड़ है वो गाजरों के अंदर मेल्ट हो जाएगा। तो जब ये मेल्ट होता है तो फिर मैं नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ मैंने इसको क्या करना है। अब इसको मैंने अच्छे से मिक्स करके इसको मैंने नॉर्मल किचन में है वो मैंने रख देना है। तो ये जब सारा अंदर मेल्ट हो जाएगा तो फिर इसको मैं आग पर रखूँगी। जी यहाँ पे जो है गुड़ मेरा मेल्ट हो चुका है। अब जो है मैंने इसको फ्लेम ऑन कर दिया है, मीडियम फ्लेम है, उसके ऊपर ये मैंने गाजरें चढ़ा दी हैं। तो इसको मैं कवर कर दूंगी और ये तकरीबन फिर बीच में एक दो दफ़ा इसको दिखाएंगे और हिलाएंगे भी से। और ये तकरीबन 15 से 20 मिनट पे मीडियम फ्लेम पर ये गाजरें मेरी गल जाएंगी। तो ये आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, ये बहुत अच्छा होता है। और आप इसको खाली पेट जो है खाया करें, तो ये आपके जो है मैदे को ठंडक पहुंचाता है, स्किन को फ्रेश करता है। तो इसलिए आप गाजरें जो हैं वो ज़रूर इस्तेमाल किया करें। तो अब ये जो है इसको हल्का सा हीट आना स्टार्ट हो गई है। अब इसकी आंच जो है मैंने बिल्कुल स्लो करके और इसको मैं ऊपर से कवर कर रही हूँ। जी ये देखें, अब इसको पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हल्की आंच पे। तो अब इसने पानी भी काफ़ी सारा छोड़ दिया है और इसका कलर भी बहुत अच्छा और मज़े का लग रहा है। तो अभी मैं इसको चेक करती हूँ कि ये गाजरें गली हैं या नहीं। जी अभी मैं इसको चेक कर रही हूँ, तो खुशबू गुड़ की बहुत ही अच्छी आ रही है। तो अभी आपके सामने ही चेक करते हैं कि ये गला है या नहीं। तो गाजरें मेरी माशाल्लाह बिल्कुल गल चुकी हैं और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट लगा है। तो ये देखिए, अब आपने इसको बिल्कुल खुश्क नहीं करना, इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो शीरा होता है और इसी शीरे के अंदर ये फिर ख़राब नहीं होती हैं। तो अब इसके मैं आँच जो है वो बंद कर दूंगी और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको फिर मैं फ्रिज में रख दूंगी और आप इसको डेली खाली पेट जो है वो खा सकते हैं।